चार महीने से रद्द 27 ट्रेनों को केंद्र सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं जो 10 से 17 जुलाई तक बहाल हो जाएगी। आपको बता दें कि करीब चार महीने पहले रेलवे ने 14 लोकल ट्रेन और 22 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया था। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर लोगों को यात्रा करने में परेशानी हुई है, उसके लिए हमें खेद है। हम लोग लगातार रेल मंत्री जी के कांटेक्ट में हैं, अधिकारियों के कांटेक्ट में हैं, लगातार बात कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के अंदर में लोगों को यात्रा के अंदर असुविधा हुई है, उसके लिए हमको भी दुख है, हम भी दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर में धीरे धीरे ये ट्रेनें जो है समय पर चलना चालू होगी और सभी ट्रेनें उपलब्ध होगी।